ऑल माई डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल हेमल सर। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के आगे के सम सॉल्व करेंगे। इसके वेरी फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 कराया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके हम 8 तक करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज़ 11,660 ड्यू फॉर 9 मंथ इज 11,000। क्लियर है, मतलब प्रेजेंट वर्थ ऑफ 11,660, तो ये क्या है, अपना सम ड्यू है और प्रेजेंट वर्थ यहाँ पर दिया है। ये प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है, यहाँ पर हमें 11,000 दिया गया है। ड्यू एन कितना दिया है, ये एन कितना आ गया अपना 9 मंथ। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो वेरी फर्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा। वेरी फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रेजेंट वर्क कितना लिख दिया मैंने, 11,000 लिख दिया, और सम ड्यू कितना लिख दिया, 11,660 लिख दिया, और एन कितना लिख दिया मैंने, 9 मंथ लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रेजेंट वर्क कितना लिख दिया 11,000, सम ड्यू कितना लिख दिया 11,660। मैंने जैसा प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अपना सम ड्यू क्या रहता है, प्रेजेंट वर्क से ज़्यादा रहता है, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एन कितना दिया है, 9 मंथ, 9 मंथ मतलब कितना रहेगा, 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है, 9 अपॉन 12, तो 3 3 सा कितना होता है 9, 3 4 सा 4, तो ये कितना आ गया, 3 अपॉन 4 ईयर्स आ गया। क्लियर है अपना, 3 अपॉन 4 ईयर आ गया। क्लियर है अपना। तो अभी आगे क्या करना है आपको, अगर फार्मूला याद रहेगा सम ड्यू का, सम ड्यू का फार्मूला क्या था, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस क्या था, ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है, और यहाँ पर सम ड्यू कितना दिया हमें, 11,660 हमें दिया गया है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ कितना है हमें, 11,000 दिया गया है, प्लस क्या रहेगा, ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है, और देखो ये 11,000 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 11,660 माइनस 11,000 करोगे तो अपना ट्रू डिस्काउंट कितना आ जाएगा बेटा, 660 अपना क्या आ जाएगा, ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा। ट्रू डिस्काउंट आ गया, अभी आपको ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ट्रू डिस्काउंट हमें दिया ही गया है, कितना दिया है, 660। प्रेजेंट वर्थ कितना है, 11,000। एन कितना दिया है, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय आर, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर, अभी देखो ये 4 अप नीचे चला जाएगा, तो 660 इज इक्वल टू 11,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय आर। क्लियर है, और ये क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। क्लियर, अगर देखो ये पूरा इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये 660 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा हमें, और ये जो रहेगा ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 11 ये कितना आ जाएगा, ये करोगे तो 11 ये 0 भी कैंसिल, तो 11 सिक्सा कितना होगा, ये 3 टूजा कितना होगा, तो 2 और कितना बचा, 4, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 8% आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो R अपना आंसर कितना आ गया, 8% आंसर आ गया, एकदम सिंपली। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा रहेगा तो ये डेफिनेटली आपको सिंपली समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल इन मार्केट एट ₹800, आर्टिकल का मार्केट में कितना पड़ रहे थे, 800, तो 800 अपना क्या रहेगा, लीस्ट प्राइस रहेगा, एंड ट्रेडर अलाउड डिस्काउंट कितना बोल रहे, 2.5%। ये 2.5% किस पे लेंगे हम, 800 पे लेंगे, एंड द गेन कितना बोल रहे, 20% ऑन द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, सिंस आर्टिकल इन अ मार्केट कितना बोल रहे, 800, तो देयरफॉर ये लीज प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हुआ, 800। आर्टिकल इन अ मार्केट का मतलब क्या होता है, लीज प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना दिया, 800, ट्रेडर अलाउड 2.5% डिस्काउंट ऑन अ लीज प्राइस, तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, 2.5% ऑन लीज प्राइस, तो 2.5%, तो 2.5 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय लीज प्राइस कितना दिया, 800, आप चाहो तो 25/1000 लिखो तो भी चलेगा। अगर देखो यहाँ से 0 0 क्या हो गया कट, 2.5 मल्टीप्लाई अगर 8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये 20 क्या मिला मुझे, ट्रेड डिस्काउंट मिला।
अभी आपको पता है सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, लीज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, बराबर ना। प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं तो अपना जो प्राइस रहेगा उसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे, वो प्राइस पे क्या करेंगे हम सेल करेंगे। तो अपना लीज प्राइस कितना दिया है 800 दिया है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है हमें 20 हमने फाइन किया। अगर माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 780। तो देयरफॉर ये अपना क्या मिला, सेलिंग प्राइस हमें क्या हो गया, मिल गया। क्लियर है? सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, लीज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ऑलरेडी कितना आ गया है 780 अपना आंसर आ गया। अभी तुम बोलोगे सर आपने डायरेक्टली क्यों लिख डा रहे हो, ऑलरेडी मैंने ये फर्स्ट जब ही अपना एक्सरसाइज कराया था तभी मैंने सारा फॉर्मूला आपको काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वो सम करने के बाद ही मिसलिनियस एक्सरसाइज के सम करते रहोगे। अभी आगे क्या बोल रहे, और ट्रेडर गेन 20% ऑन द कॉस्ट, मतलब ट्रेडर को कितना गेन हो रहा है 20% ऑन द कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस कितना लिख दिया मैंने 100। तो मैंने वेरी फर्स्ट बताया था आपको, देयरफॉर ये देखो ये अपना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या रहता है प्रॉफिट। क्लियर है? और कॉस्ट प्राइस कितना है अपना 100, बराबर हमने कॉस्ट प्राइस को कितना अज्यूम किया है 100, और अपना प्रॉफिट कितना दिया है हमें 20%। तो अपना सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120 हो गया। क्लियर है? सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट 20, तो ये अपना सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120। अभी देखो अपना सेलिंग प्राइस कितना आया था अपना 780, तो अपना सेलिंग प्राइस कितना है 780। हमें सब में फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, तो हमें ये कॉस्ट प्राइस क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा 780। आपको पता रहेगा जिसके अपॉन में क्वेश्चन मार्क वो कहा जाएगा, अपॉन में जाएगा तो 780 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अभी आप करोगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 7800 डिवाइड बाय अगर 12 करोगे तो देयरफॉर हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका है ये आर्टिकल इज रुपीस, आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 650, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना मिला 650 हमें आंसर मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सेल्समैन इज अ पेड फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन ऑन द सेल, मतलब सेल्समैन को क्या मिल रहा है इनकम, सेल्समैन का इनकम क्या रहेगा सैलरी प्लस क्या रहेगा कमीशन ऑन सेल। हमने बोला ही क्या है, क्या बोल रहे हैं, अ सेल्समैन पेड फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन ऑफ सेल, इफ द सेल इज 96,000 एंड 1,08,000 इन अ टू सक्सेसिव मंथ, मतलब फर्स्ट मंथ का अपना सेल कितना है 96,000 और सेकेंड मंथ का कितना है 1,08,000, एंड द मंथली रिसीव उसको कितना, टू सक्सेसिव मंथली रिसीव उसको कितना पैसा मिल रहा है, फर्स्ट मंथ में उसका इनकम कितना दिया है हमें 70,600 और सेकेंड मंथ में कितना दिया है हमें 18,800 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मंथली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन ही। हमें क्या फाइंड करना है, मंथली सैलरी फाइंड करना है और कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हियर इनकम ऑफ सेल्समैन क्या रहेगा सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल। तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ की बात करें तो टोटल उसका सेल कितना था 96,000 और सेकेंड मंथ में कितना था 1,08,000 और उसका इनकम कितना था, फर्स्ट मंथ में उसका इनकम आया था 17,600 और सेकेंड मंथ में कितना आया था 18,800। अगर आप देखोगे तो सेल्समैन का सैलरी मतलब टोटल इनकम कितना दिया है हमें 17,000, यहाँ पर मैं लिख दूँ 17,000 फर्स्ट मंथ की बात करें, फर्स्ट मंथ में उसका इनकम कितना है 17,600 इज इक्वल टू, सैलरी तो दिया नहीं गया तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल, कमीशन किस पे रहेगा 96,000 पे, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कमीशन ऑन किस पे रहेगा 96,000 पे, कमीशन ऑन 96,000 पे रहेगा। ये अपना मिल गया हमें इक्वेशन वन मिल गया, ये क्लियर, ये अपना इक्वेशन क्या हो गया वन हो गया। सेकेंड मंथ का देखो टोटल सेल्स कितना दिया था 1,08,000 और इनकम कितना दिया था 18,000, तो इनकम ऑफ सेल्समैन कितना दिया है यहाँ पर हमें 18,800 प्लस क्या रहेगा सैलरी प्लस क्या रहेगा कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स कितना था सेकेंड मंथ में कितना था 1,08,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,08,000 आ जाएगा। ये अपना क्या मिला,
इक्वेशन टू मिल गया। क्लियर, ये अपना क्या मिला, इक्वेशन वन मिला और ये क्या मिला, इक्वेशन टू मिला। अभी करना क्या है, बाय क्या करना है आपको, ये इक्वेशन जो अपना इक्वेशन टू माइनस क्या करना है, इक्वेशन वन, तो बी गेट। क्लियर है, हमें क्या करना है, टू में से वन को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब 18,800 माइनस 17,000, सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ 18,800 ये सैलरी प्लस क्या है यहाँ पर कमीशन ऑन 1,08,000, ये क्या है मेरा इक्वेशन टू है। ये वन कहाँ गया मेरा, 17,600 सैलरी प्लस क्या है यहाँ पर कमीशन ऑन 96,000, ये मेरा क्या है इक्वेशन वन। अभी क्या बोल रहा है, टू में से हमें क्या करना है, वन को माइनस करना है। अगर करोगे तो सैलरी सैलरी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 18,800 माइनस 17,600 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1,200 प्लस ये क्या रहेगा, कमीशन ऑन रुपीज़ किस पे रहेगा। अगर इन दोनों को आप अगर माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 12,000, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 12,000 आपको आंसर आ जाएगा। तो ये 1200 इज इक्वल टू क्या रहेगा, कमीशन, मतलब क्या रहेगा, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन अपॉन में क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाई क्या रहेगा 12,000। क्लियर है, अगर आप इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब ये क्या रहेगा, ये 1,200 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये रेट ऑफ कमीशन। देखो ये मल्टीप्लाई में है, अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कितना कर दूं मैं, 12,000, 1, 2, 3, 0, ये कितना 12, ये कितना आ जाएगा 12, 10 का कितना होता है 120, तो यहाँ पर मुझे रेट ऑफ कमीशन कितना मिला, इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, 10% आंसर आ गया। तो रेट ऑफ कमीशन कितना आ गया मेरा, 10% आंसर आ गया। क्लियर है, तो मुझे रेट ऑफ कमीशन कितना मिला, 10%, आई होप आपको समझा रहेगा। ये हमें रेट ऑफ कमीशन 10% मिला, इसको क्या करना है, इक्वेशन वन में आप पुट कर दो तो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा। तो नाउ क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, नाउ कमीशन और 96,000 बराबर 96,000 पे कितना मुझे कमीशन मिला, तो यहाँ पर 10% ऑफ किस पे लिखूँ, 96,000 बराबर ना। हमें अगर देखोगे तो कमीशन किस पे आया था, 96,000 पे, तो हमें कमीशन का रेट पता चल गया कितना कमीशन मिल रहा है 10%। तो 96,000 पे कितना लेना है हमें, 10% करोगे तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 96,000। अगर आप करोगे 0,0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपको कमीशन कितना आया 960 हमें आंसर मिल गया। कितना, 9,600 हमें कमीशन मिल गया। ये जो 9,600 आ, इसको क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूट किस में कर देंगे, इक्वेशन में किस में, वन में क्या कर दूँ, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ। अगर आप इक्वेशन वन में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, तो अगर ये कितना, इक्वेशन वन कितना था अपना, देखो 17,600 सैलरी प्लस कमीशन ऑन कितना आया था हमें 99,600, तो इसको मैं क्या कर दूँ, इक्वेशन वन में क्या कर दूँ मैं, सब्स्टिट्यूट कर दूँ। तो ये कितना था, 17,600 मेरा था, प्लस सैलरी प्लस कमीशन कितना है 9,600, ये पता चला। अगर ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सैलरी इज इक्वल टू कितना आएगा, 17,600 माइनस 9,000 क्या हो जाएगा, 600। तो देयरफॉर हमें सैलरी मिल जाएगा 8,000, कितना मिल गया, 8,000 हमें सैलरी मिल गया। तो एंड में आपको लिखना पड़ेगा मंथली सैलरी ऑफ सेल्समैन कितना है 8,000 एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम कितना आएगा 10%, आपको आंसर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, मर्चेंट बाय सम मिक्सचर एट अ 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। मतलब हमने मिक्सर परचेज किया, उस पर कितना हमें 15% डिस्काउंट मिल रहा है, और द कैटलॉग प्राइस कितना दिया है हमें। कैटलॉग प्राइस का मतलब क्या रहेगा, लीज प्राइस हमें कितना दिया है 5,500 पर पीस दिया गया है। मतलब एक मिक्सचर का प्राइस कितना है 5,500 मिक्सचर है। और क्या बोल रहे हैं आगे, द फ्रेट चार्ज अमाउंट कितना दिया है 2.5% ऑन अ कैटलॉग प्राइस। मतलब फ्रेट चार्जेस क्या होता है, ऐड होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट गिवन कैटलॉग प्राइस ऑफ
पर मिक्सचर कितना दिया है 5,500 और ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं 15%। मतलब ट्रेड डिस्काउंट कैसे रहेगा 15% ऑफ कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस मतलब लिस्ट पर, मतलब 15%, मतलब 15 अपॉन कितना आ जाएगा 100 और कैटलॉग प्राइस कितना दिया है 5,500। अगर आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 825। ये 825 मेरे को क्या मिला यहाँ पर, ट्रेड डिस्काउंट मेरे को मिल गया। क्लियर है? तो आपको पता रहेगा ये कैटलॉग प्राइस मतलब लीज़ प्राइस पे कितना लेना है हमें 15% डिस्काउंट, मतलब कितना आ गया 825 अपना आंसर आ गया। एंड ऑल्सो क्या बोल रहे हैं, फ्रेट चार्जेस अमाउंट कितना हो रहा है 2.5%। मतलब ये 2% 2.5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.5%। क्लियर है? कैटलॉग प्राइस कितना दिया है 2.5% हमें दिया गया है। क्लियर है? और किस पे बोला है 2.5% ऑन कैटलॉग प्राइस पे दिया गया है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फ्रेट चार्ज अमाउंट मैं फाइंड करता हूँ, देयरफॉर यहाँ पर मैं फ्रेट लिख दूँ। फ्रेट कितना बोला है 2.5 अपॉन कितना रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय कैटलॉग प्राइस कितना दिया था 5,500। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, 25 अपॉन क्या लिख सकते हो आप 1,000 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 5,500 करो, अगर 0,0 कैंसिल करो 25 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइड बाय अगर करोगे तो आपको आंसर आएगा 137.5। ये क्या मिला आपको, फ्रेट। क्लियर है? तो आपको अगर देखोगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मिक्सचर कैसे पलेगा, कैटलॉग प्राइस हमें कितना दिया था, यहाँ पर कैटलॉग प्राइस दिया था 5,500 प्लस फ्रेट, अगर फ्रेट चार्जेस अमाउंट क्या होता है ऐड होता है और डिस्काउंट क्या होता है लेस, और फ्रेट चार्जेस अमाउंट कितना दिया था 137.5 और ट्रेड डिस्काउंट कितना आया था 825 आया था। अगर इन तीनों को अगर आपको पता रहेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मिक्सचर क्या रहेगा, कैटलॉग प्राइस प्लस क्या रहेगा फ्रेट चार्जेस अमाउंट लेस क्या रहेगा ट्रेड डिस्काउंट, इन दोनों को ऐड करो माइनस अगर आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 4,812.5। ये आपका क्या आया, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मिक्सचर। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मिक्सचर। क्लियर है? आपका आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मिक्सचर कितना आया 4,812 रुपीज़ आया। आगे क्वेश्चन में देखोगे तो क्या बोले, मर्चेंट सेल ईच मिक्सचर एट अ 5% डिस्काउंट ऑन अ कैटलॉग प्राइस। मतलब मर्चेंट जो सेल कर रहा है, कैटलॉग प्राइस हमें कितना था 5,500, उस पर 5% डिस्काउंट करके वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो और द नेट प्रॉफिट कितना मिला उसको, 41,250 मिला। फाइंड द नंबर ऑफ मिक्सचर, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ तो मर्चेंट गिव 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, मतलब मर्चेंट क्या कर रहा है 5% डिस्काउंट दे रहा है, किस पे दे रहा है कैटलॉग प्राइस। तो देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट ये किसका रहेगा, मर्चेंट का ट्रेड डिस्काउंट कितना रहेगा 5% ऑन कैटलॉग प्राइस। तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और यहाँ पर कैटलॉग प्राइस कितना 5,500 दिया गया। तो आपको आंसर आएगा 275 आंसर आएगा। और देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन मिक्सचर, कैटलॉग प्राइस कितना था 5,500, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था 275। अगर आप करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 5,225 आपको आंसर आएगा। ये क्या मिला हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ वन मिक्सचर, बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ वन मिक्सचर हमें मिल गया। अगर देखोगे आपने कॉस्ट प्राइस कितना था 488 और सेल कितने में कर रहे हैं, इसको इन दोनों को अगर माइनस करो तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट ऑन वन मिक्सचर कैसे रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन मिक्सचर माइनस क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मिक्सचर। तो सेलिंग प्राइस कितना आया था 5,225 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हमें मिला था 4,812.5। अगर करोगे तो हमें प्रॉफिट, एक अगर मिक्सचर पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 412.5 रुपीज़ हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट हमें कितना मिला, इतना प्रॉफिट मिला। क्लियर है? तो हमें देखोगे नंबर ऑफ मिक्सचर परचेस, तो नेट प्रॉफिट हमें टोटल अगर सम में देखोगे तो टोटल हमें सम में कितना प्रॉफिट दिया गया था, यहाँ पर 41,250 हमें क्या दिया था, प्रॉफिट दिया गया था। तो नेट प्रॉफिट कितना आया था 41,250 और क्या है, प्रॉफिट ऑन वन मिक्सचर, प्रॉफिट ऑन वन मिक्सचर कितना आया था अपना 412.5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 100 आंसर आएगा।